we have two ways of creating a thread. First is by extending the thread class, and second, when will I use which way? So if multiple inheritance is not supported in Java, so if my class is already extending another class, I cannot say comma thread. I can't extend two classes simultaneously, because multiple inheritance with regards to class is not supported in Java. So in such cases, like for applet, so whenever you are making an applet, your class will already extend applet. So you cannot say extend applet comma thread. So for that we have extends applet implements runnable. Now let's study these two classes and interfaces. So this interface runnable, class thread implements that interface. तो ये जो इंटरफेस रनेबल है इसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रहेंगे, क्या रहेंगे? Abstract. उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इंप्लीमेंटेशन कहाँ मिलेगा आपको? थ्रेड क्लास में. तो जो स्टार्ट मेथड है उसका इंप्लीमेंटेशन आपको मिलेगा थ्रेड क्लास के अंदर. तो जो, और ये इनबिल्ट क्लास है ना, थ्रेड क्लास क्या है? हाँ, वो अंदर ये जावा डेवलपर्स ने बनाई हुई क्लास है ना ये. स्टार्ट फंक्शन का सिर्फ डेफिनेशन, सिर्फ डिक्लेरेशन रनेबल के अंदर है, सिर्फ सिग्नेचर. क्योंकि इंटरफेस में सिर्फ क्या होता है, मेथड का सिर्फ नाम होता है, उसके पैरामीटर्स होते हैं. उसका जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, जो कर्ली ब्रैकेट्स है, वो नहीं होते. वो उस क्लास को देना पड़ता है जो क्लास उसको इम्प्लीमेंट कर रही है ना. तो रनेबल ने सिर्फ क्या बोल दिया कि मेरे अंदर स्टार्ट मेथड है, और स्टार्ट मेथड क्या काम कर रहा है, वो थ्रेड क्लास ने उसको डिफाइन किया है. ठीक है, और ये भी एक इनबिल्ट क्लास है. तो ये इंटरफेस भी इनबिल्ट है, ये भी जावा डेवलपर्स ने बनाया है, और उसको लोग ने इम्प्लीमेंट करके थ्रेड क्लास भी उन्होंने बनाया. अब उन्होंने थ्रेड क्लास के अंदर स्टार्ट को बॉडी दी है, और अज्यूम करते हैं कि ये थ्रेड क्लास जो है वो 1000 लाइंस का कोड है या 100 लाइंस का कोड है, अज्यूमिंग. तो उस 100 लाइंस में है क्या? तो सबसे पहले जो है ना, स्टार्ट के अंदर क्या मालूम है, क्या न्यू थ्रेड इज क्रिएटेड. तो नया थ्रेड किस, कौन क्रिएट कर रहा है, कौन सा मेथड क्रिएट कर रहा है? नया थ्रेड कौन सा मेथड क्रिएट कर रहा है? स्टार्ट ऑफ विच क्लास? तो ये बात याद रखना, स्टार्ट ऑफ थ्रेड क्लास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओके, ये जो है लाइन नंबर 5 पे, ये क्या है? स्टार्ट ऑफ रनेबल इंटरफेस. वेरी गुड, परफेक्ट. हाँ, रनेबल इंटरफेस. तो ओके, अभी अगर मैं कोई क्लास बनाऊं जो थ्रेड क्लास को इनहेरिट करे, जैसे अपन ने यहां पर किया है. ठीक है, जैसे यहां पर क्लास किया है, क्लास कौन सी है, क्या कर रही है वो? ओके, तो अभी मैंने समझो यहां पर एक क्लास बनाया, जैसे ब्रह्मा और नमिता है. ठीक है, तो मैंने एक क्लास बनाया बी एन एक्सटेंड थ्रेड. पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल है ना. ओके, अभी ये बी एन जो है ना, बी एन इसको ओवरराइड कर सकती है, मतलब सेम नाम से, सेम आर्ग्यूमेंट से बना सकती है. इट इज वेरी मच पॉसिबल. स्टार्ट कैन बी ओवरराइडन, मतलब आप सेम नाम से, सेम आर्ग्यूमेंट से उसमें स्टार्ट बना सकते हो. इट इज वेरी मच पॉसिबल. तो व्हाट एम आई डूइंग ओवर हियर, वी ऑलरेडी हैव अ स्टार्ट इन थर्ड क्लास, यस और नो? जिसका नाम स्टार्ट है और आर्ग्यूमेंट ब्लैंक है ना. अब जब ये क्लास बी एन ने जो है उसको इनहेरिट किया,
तो उसमें मैंने स्टार्ट सेम नाम और सेम आर्ग्यूमेंट से दिया ना, तो मैंने क्या किया इधर उसको, ब्रह्मा ओवरराइड किया है ना। तो अगर आपके उसमें आ जाए एमसीक्यू में कैन स्टार्ट मेथड बी ओवरराइडन, यस नो नन ऑफ द अबव, तो क्या बोलेंगे आप, आंसर क्या है? यस इट कैन बी ओवरराइडन, वेरी गुड। अब आपने ओवरराइड करके उसमें अपना खुद का कोड लिख दिया, तो आपने उसमें ओवरराइड करके कुछ भी लिख दिया आपका कोड, ठीक है, जो भी लिखना था आपने लिख दिया आपका कोड। अभी आपका कोड कितने लाइन का है? ओके और तो अभी ये जो स्टार्ट है, ये स्टार्ट किसका है? स्टार्ट मेथड ऑफ विच क्लास? बीएन ना, समझो बहुत इजी है, समझ गए तो बहुत इजी है, सिर्फ देखो फॉलो करो बस। ये स्टार्ट क्या है? Yes, you are prolonging the video. The video is even being prolonged. If you all take time to respond. ये start क्या है? कौन से में कौन किसका ये? Okay, और ये start किसका है? थर्ड का है। तो ये मेन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो किस पे नजर रखना है अपने को? द स्टार्ट मेथड ऑफ, और उसमें अगर 100 लाइंस का कोड लिखा है जावा डेवलपर्स, क्योंकि इट्स अ इनबिल्ट मेथड राइट, सो इट इज कोडेड बाय हुम? जावा डेवलपर, जो जावा कंपनी के लिए काम करते है ना, जो सन माइक्रोसिस्टम्स, फिर उसके बाद में उसको ओवरटेक कर लिया था ओरेकल कॉर्पोरेशन ने, तो उनमें जो जॉब करते थे डेवलपर्स उन्होंने लिखा ना उसको, हमने तो लिखा नहीं है। तो थ्रेड क्लास का स्टार्ट मेथड उन्होंने लिखा है। अब उसके अंदर उन्होंने क्या कोड लिखा है, तो उस कोड का आई एम जस्ट गिविंग यू अ समरी। तो नया थ्रेड किससे बनता है हमेशा, कौन बनाता है नया थ्रेड, कौन बनाता है? स्टार्ट मेथड ऑफ थ्रेड क्लास, ये बात याद रखो, ये उसकी यूनिकनेस है। ओके सेकंड क्या करता है वो, इट रजिस्टर्स द न्यूली क्रिएटेड थ्रेड विद द थ्रेड शेड्यूलर, विद द ये थ्रेड शेड्यूलर इज अ मैनेजर हु मैनेजेस ऑल द थ्रेड्स, इज अ मैनेजर सुपरवाइजर है ये, ठीक है। तो नया थ्रेड कौन बनाता है? ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, नया थ्रेड कौन बनाता है? थ्रेड बनाते हैं थ्रेड क्लास का। हाँ, द स्टार्ट मेथड ऑफ विच क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो ये है, और सेकंड क्या करता है, इट डज सम यूटिलिटी टास्क, जैसे कि थ्रेड को प्रायोरिटी असाइन करना, थ्रेड को डिफॉल्ट नेम देना, है ना। व्हाट आर द यूटिलिटी टास्क इट डज, असाइन डिफॉल्ट नेम टू थ्रेड, असाइन डिफॉल्ट प्रायोरिटी, टू थ्रेड, ऐसे कुछ यूटिलिटी टास्क रहते हैं, वो सब काम भी ये करता है। कौन करता है ये, इसके लिए ये याद रखना, टू द न्यूली क्रिएटेड थ्रेड। तो और फिर उसका जो इतना एग्जीक्यूशन है ना, एग्जीक्यूशन वो रहता है रन मेथड में, किसमें रहता है? सो दिस स्टार्ट इनवोक्स द रन मेथड, इनवोक्स द मतलब इट ट्रिगर्स
the thread for execution. तो start अपने आप जो है ना thread को start कर देता है execution के लिए. उसका execution का सारा काम कौन से method में रहता है? run method के अंदर रहता है. तो ये run method जो है ना thread class के अंदर एक method है. समझा? तो इसके अंदर भी और उसको हम हमारे क्लास में हमेशा ओवरराइड करते हैं. तो ये थ्रेड जो करने वाला है ना, थ्रेड का एक्चुअल वर्क जो है, लेट्स से ये थ्रेड प्रिंट करने वाला है 1 to 5. ये थ्रेड क्या करने वाला है? प्रिंट. तो उसका जो एक्चुअल काम है वो किस में रहता है? उसके किस में रहता है? कौन से मेथड में? रन में. तो हमको क्या करना पड़ता है? यू हैव टू ओवरराइड द रन मेथड. व्हाट यू हैव टू डू एज पर योर ओन टास्क. तो आपको ये थ्रेड से क्या काम करवाना है वो उसके रन में लिख देने का. तो ये रन क्या करने वाला है? तो ये स्टार्ट मेथड है ना, स्टार्ट मेथड रन को इंटरनली कॉल कर लेता है. इट इनवोक्स द इम्प्लिसिटली. अंदर ही अपने आप कॉल कर लेता है. इम्प्लिसिटली बोलो या आप लोग को अगर समझ में आता है ऑटोमेटिकली, तो आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं. आपको समझ में आता है तो अगर मैंने स्टार्ट को कॉल किया तो रन अपने आप कॉल हो जाता है ना. अब मुझे बताओ ये जो 100 लाइन्स ऑफ कोड है स्टार्ट मेथड के, उसमें क्या क्या टास्क है ब्रह्मा? Yes, tell me, Brahma. What all जो स्टार्ट मेथड है थ्रेड क्लास का, उसके टास्क क्या क्या है, क्या क्या काम करता है वो? यूजर बनाते हैं, रजिस्टर करते हैं. हाँ. और यूटिलिटी टास्क फॉर्म करता है. ओके. और प्रायोरिटी देता है न्यू मेथड को. और रन मेथड इनवोक करता है, रन मेथड को कॉल करता है. ये सब किसने किया? ये सब काम कौन कर रहा है? स्टार्ट मेथड. ब्यूटीफुल. ओके. अब जब मैंने इसको ओवरराइड कर दिया तो मेरा स्टार्ट कुछ कर रहा है क्या ये सब? जब मैंने इसको ओवरराइड कर दिया ना अभी, तो मैंने उसके सारे पावर्स छीन लिए और उसको मैंने एकदम लेम कर दिया, लंगड़ा कर दिया मैंने उसको सारे पावर्स छीन के. क्योंकि अभी मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट के सारे पावर्स है ना रिमूव हो गए और उसको सिर्फ मैंने क्या बोला, तेरा काम क्या रहेगा अभी? सिर्फ इनम टैग प्रिंट करना. समझा? तो जैसे अगर कोई जो है ना बहुत एक्टिव ऑफिसर है और करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है, बहुत काम कर रहा है, फिर वो पॉलिटिशियन क्या करते, पॉलिटिशियन उसको ऐसे जगह पे ट्रांसफर कर देते जहां वो कुछ भी नहीं कर सकता है ना. तो ये बात समझो कि ये जितने पावर है, ये पावर किसके पास है, ये बहुत समझने की बात है. ये पावर सारे स्टार्ट मेथड है किसके वाले? थ्रेड क्लास के. तो इसके लिए अगर जब भी मैं एक्सटेंड करूं तो मैं थ्रेड को, स्टार्ट को टच नहीं करना चाहिए मैंने. आई शुड नॉट टच द स्टार्ट मेथड बिकॉज देन आई इनहेरिट द स्टार्ट मेथड एज इट इज and it will do all that task for me also now. समझ में आया क्या बोला मैंने? तो जब भी आप कोई क्लास बनाओ जो थ्रेड को एक्सटेंड कर रही है ना, तो आप जो है स्टार्ट को ओवरराइड कर सकते हो बट मत करो. समझ में आ रहा है? स्टार्ट को ओवरराइड हम कर सकते हैं ना, बट नॉट रिकमेंडेड. व्हाई नॉट रिकमेंडेड? क्योंकि ये जो सारा काम है उसका फिर वो नहीं करेगा, क्योंकि फिर आपने इसको ओवरराइड कर दिया तो वो आपका काम करेगा सिर्फ. तो जो कि एकदम लेम काम है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है. तो मेरा क्वेश्चन अगेन आता है, कैन द स्टार्ट मेथड बी ओवरराइडन? नाउ कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी इफ आई आस्क यू इन द इंटरव्यू?
if I am the interviewer and I ask you, can the start method be overridden in the subclass? What will you answer? Yeah, absolute. क्या बात है, एक नंबर. यही चाहिए था मुझे आंसर. Yes, it can be overridden, but it is not recommended to do so because then it will not do the job which it is coded to do in the third class. है ना? वेरी गुड, समझ में आ गया तुम लोगों को. क्योंकि ये जो इतना सारा काम है, ये काम सिर्फ एक्सप्लिसिटली किसको मिला है? स्टार्ट ऑफ द थर्ड क्लास. ओके, अभी अगर मैं कोई क्लास बनाऊं जो रनेबल को इंप्लीमेंट करे, समझो मैंने क्लास बना दी कुछ भी जो इंप्लीमेंट करती है रनेबल को, अब रनेबल के अंदर वो सारी पावर है क्या? रनेबल के अंदर स्टार्ट को कुछ पावर्स मिले हैं क्या? तो इसके लिए, तो अगर मैं रनेबल से कोई थ्रेड बनाऊं तो उसको भी सब पावर मिलेंगे क्या? अगर मैंने क्लास डेमो बनाया किससे, इंप्लीमेंट्स क्या, तो उसमें स्टार्ट जो है ना, स्टार्ट में को कुछ पावर है क्या? स्टार्ट को कुछ पावर नहीं, उधर से वहां पे लिखा हुआ है. हाँ, तो उसे लिखा हुआ है, कुछ भी कोड नहीं है ना उसको. तो मेन पावर किसको मिला है? थ्रेड क्लास के स्टार्ट मेथड को. किसको? थ्रेड के स्टार्ट को. ये समझ में आया है ना? तो जैसे ही, तो ये दोनों सेम है क्या? पब्लिक क्लास bn extends thread और पब्लिक क्लास demo extends thread, विल दे enjoy द सेम प्रिविलेज? विल दे enjoy द सेम प्रिविलेज? extends thread और implements runnable दोनों को सेम प्रिविलेज मिलेगा क्या बाद में? extends thread और implements runnable को सेम थ्रेड सेम मिलेगा क्या प्रिविलेज? ये बोल रहा हूं मैं. तो ये दोनों सेम है क्या? हाँ बोलो भाई. नो, तो प्रिविलेज के हिसाब से दिस एंजॉयज मोर प्रिविलेजेस. एंजॉयज व्हाई? जस्ट बिकॉज उसके पास क्या है? इट हैज द स्टार्ट मेथड का डेफिनेशन. स्टार्ट मेथड का डेफिनेशन विच इज डिफाइंड बाय होम? द ओरेकल कॉर्पोरेशन डेवलपर्स, है ना? क्योंकि इवन आई कैन डिफाइन स्टार्ट, बट इसको वो सब नहीं मिलेगा जो मेरे डिफाइन में होगा, है ना? क्योंकि अगर मैंने भी स्टार्ट को डिफाइन किया ना, इधर किया कि नहीं किया, मैंने ओवरराइड किया ना उसको, बट उसको वो सब चीजें नहीं मिलेगी जो उनके डेवलपर्स ने असाइन की है. समझ में आया? वेरी गुड. ये बात समझने की है बहुत डीप में, तो इसको अच्छे से समझो. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, दो थ्रेड बनाते हैं. एक थ्रेड प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5 क्या प्रिंट करेगा, और एक प्रिंट करेगा ABCDE. ठीक है? एंड दे बोथ विल गो इन पैरेलल. सो लेट्स स्टार्ट. सो क्लास न्यूमेरिक एक्सटेंड्स थ्रेड. ठीक है? तो अभी थ्रेड का ये जो प्रिंटिंग का काम है, कौन सा मेथड करेगा? एग्जीक्यूशन का सारा काम किस कौन संभालता है? थ्रेड का मैनेजर. थ्रेड का जो एग्जीक्यूशन संभालता है वो कौन सा मेथड संभालता है? रन मेथड. कौन सा मेथड? स्टार्ट तो सिर्फ है ना, वो करता है, उसको बर्थ देता है और वो करता है सारा का सारा टास्क. कौन संभालता है उसका जो करना है उसको? रन मेथड. कौन सा मेथड? तो अपने को सिर्फ रन मेथड को देना है बॉडी, तो ये प्रिंट करेगा 1 to 5. ठीक है? ओके. अभी मैंने बनाया दूसरी क्लास अल्फा
और मैं इसको करता हूं इंप्लीमेंट्स रनेबल से, क्या करता हूं इसको, ओके ये क्या करेगी, विल स्टार्ट फ्रॉम ए, विल गो लेस देन इक्वल टू ई एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। तो नाउ हाउ मेनी क्लासेस आई हैव, हाउ मेनी क्लासेस डू आई हैव नाउ, टू क्लासेस है ना, वन थ्रेड क्लास प्रिंटिंग फ्रॉम 1 to 5, वन थ्रेड क्लास प्रिंटिंग फ्रॉम ए टू ई। नाउ टू स्टार्ट देम आई रिक्वायर मेन क्लास, आई रिक्वायर व्हाट, मेन क्लास। तो क्या नाम दिया मैंने उसको, ओके इसको कुछ एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप लोगों को चाहिए मेन, तो सबसे बेसिक थ्रेड जो है ना पेरेंट थ्रेड वो मेन है, बाकी सब मेन के बाद ही बनेंगे, ओके अब ये हो गया। तो क्लास, तो ये क्लासेस बन गए, अभी इनको ऑब्जेक्ट बना के बनाओ। तो न्यूमेरिक के से मैंने बनाया थ्रेड टी वन इज न्यू न्यूमेरिक, और अल्फा से बनाया थ्रेड टी टू इज न्यू अल्फा। अब मुझे बताओ टी वन किससे बना है, एक्सटेंड से क्या इंप्लीमेंट से, यस न्यूमेरिक किससे बना है, एक्सटेंड से क्या इंप्लीमेंट से, तो इसके इसके अंदर स्टार्ट मेथड आया कि नहीं आया, इंक्लूडेड ना विद स्टार्ट मेथड का डेफिनेशन, स्टार्ट मेथड का क्या डेफिनेशन, मतलब उसके कर्ली ब्रैकेट जो होता है ना जो उसको बॉडी देता है, बॉडी उसकी बॉडी डेफिनेशन बोले तो बॉडी, तो बॉडी इंक्लूडेड है क्या नहीं इसके अंदर, एंड डिड आई ट्राई टू ओवरराइड इट, डिड आई ट्राई टू ओवरराइड इट, नो, तो जो बॉडी जावा डेवलपर्स ने दी थी वही आ गई ना इसके अंदर, ओके क्लास अल्फा में है क्या स्टार्ट मेथड का डेफिनेशन, क्लास अल्फा में स्टार्ट मेथड का डेफिनेशन है क्या, नॉट इंक्लूडेड है ना, तो मैं T1 जो है T1 उससे स्टार्ट कॉल कर सकता हूं क्या, नहीं अलाउड है ना, बट T2 से कैन आई कॉल स्टार्ट, नॉट अलाउड, ब्रह्मा समझ में आ रहा है, ब्रह्मा देखो क्या चल रहा है, ओके तो फिर अगर मुझे T2 का कोड रन करना है तो मुझे क्या कॉल करना पड़ेगा, रन, बट रन से नया थ्रेड बनेगा क्या, नया थ्रेड कौन बनाता है, तो नो न्यू थ्रेड विल बी क्रिएटेड, इफ आई कॉल रन नो न्यू थ्रेड विल बी क्रिएटेड, द कोड ऑफ द रन मेथड विल एग्जीक्यूट इन द करंट थ्रेड, द कोड ऑफ द रन मेथड विल एग्जीक्यूट इन करंट थ्रेड, तो करंट थ्रेड कौन सा है, मेन है ना, करंट थ्रेड कौन सा है इसमें, अभी मेन है, तो हमेशा जो है नया थ्रेड किससे बनता है, थ्रेड क्लास से, किससे बनता है, तो अब यहां पर हमारे पास कितने थ्रेड हुए, हमारे पास एक थ्रेड हो गया मेन का और एक थ्रेड हो गया टी वन का, टी टू नया थ्रेड नहीं बना क्योंकि टी टू बना है अल्फा से, अल्फा बना है इंप्लीमेंट रनेबल से, अगर आपको तो ये होगा ना मल्टी थ्रेडिंग, ये मेन एक थ्रेड हो गया और टी वन एक थ्रेड हो गया, दो थ्रेड हो गया हमारे पास, और अगर आपको इससे करना है रनेबल से मल्टी थ्रेडिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थ्रेड क्लास जो है ना पेरेंट क्लास उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट, और रनेबल का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ना
कौन सा बनाया ऑब्जेक्ट, वो उसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। और अभी आप tx से स्टार्ट कॉल कर सकते हो, ये अलाउड है। इसको समझा मैंने क्या किया? तो अगर आपको रनेबल से ही मल्टी थ्रेडिंग करना है तो रनेबल को एज अ थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा आपको, तब जाके उससे स्टार्ट कॉल होगा। अब तीन थ्रेड बन गए, अब मेन भी एक थ्रेड है, T1 भी एक थ्रेड है और T2 भी अभी एक थ्रेड बन गया। अरे आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आ रहा है? ओके इसका आउटपुट क्या आएगा अभी? कैन यू ट्रेस द आउटपुट फॉर मी? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? बिकॉज थ्रेड विल रन पैरेलल, यू नो थ्रेड विल रन पैरेलल ही है क्या? नहीं थ्रेड विल रन पैरेलली, तो दोनों थ्रेड का आउटपुट कैन बी मिक्स्ड अप। आई शो यू। तो अभी इसको रन करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट। एक आया है, ओके टी टू का स्टार्ट क्या लिखा हुआ है? टी टू से स्टार्ट कॉल नहीं कर सकते ना हम लोग, वही एरर आया। तो इसके लिए उसको मैंने कमेंट कर दिया, उसको इसका रन भी कमेंट कर देते हैं। तो क्या हम उसको कॉल कर रहे हैं इससे ना? फिर अभी उसको रन करेंगे तो आउटपुट कैसे भी ऑर्डर में आ सकता है। देखो पहले ये पहले थ्रेड वन थ्रेड टू हो गया, फिर देखो ये 1 2 3 4, फिर ए, फिर 5, फिर बी सी डी ई। तो ये पैरेलल चल रहे ना, देखो पहले 1 2, फिर ए बी सी डी, फिर 3 ई। तो ये दोनों भी मल्टी थ्रेडिंग चल रहे, पैरेलल चल रहे थ्रेड्स। है समझ में? समराइज करते हैं इसको। हमने क्या किया, दो क्लास बनाए, एक बनाए एक्सटेंड थ्रेड से जिसके अंदर मुझे स्टार्ट का डेफिनेशन मिल जाता है इनहेरिटेंस की वजह से, और एक बनाया इंप्लीमेंट्स रनेबल से जिसमें मुझे स्टार्ट का डेफिनेशन नहीं मिलता। तो स्टार्ट का डेफिनेशन नहीं मिलेगा तो नया थ्रेड बनेगा ही नहीं, क्योंकि नया थ्रेड स्टार्ट बनाता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर, थ्रेड बनाने के लिए जो हमने क्लासेस बनाए हैं उनके ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, और उनके ऑब्जेक्ट्स जब स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे तो थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा। अब टी वन चूंकि बना है एक्सटेंड थ्रेड से तो उससे स्टार्ट कॉल कर सकते हैं। अब टी टू चूंकि बना है इंप्लीमेंट्स रनेबल से तो उससे स्टार्ट कॉल नहीं कर सकते। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, जो बेस क्लास है थ्रेड उसको ऑब्जेक्ट बनाओ और उस T2 को एज आर्ग्यूमेंट पास कर दो और फिर TX से स्टार्ट कॉल करो। ठीक है?